सामने शाहिद सर बाइक Good evening, Shah sir. Good evening, what's up? How are you guys? All good. So first of all, what are your expectations from the evening? Fantastic evening, lots of great performances. I'm thoda bahut host kar raha hu, perform bhi kar raha hu, so I'm looking forward to a great night. Okay, so how do you look at this year? Matlab, this year has given the biggest hit of the... this year has the biggest hit, Kabir Singh. Yeah. So what do you want to say about it? I'm just very overwhelmed with this year. It's been a very gratifying year. I have only the audience to thank because जो भी प्यार कबीर सिंह को मिला है वो ऑडियंस ने दिया है हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फिल्म इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी या लोग इतना ज़्यादा प्यार देंगे फिल्म को सो इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग वट हैपन विद कबीर सिंह कई साल वेट करने के बाद मुझे इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म मिली है सो आई फील वेरी थैंकफुल ग्रेटफुल कभी कभी ऐसा लगता है आई डोंट डिजर्व इट बट आई एम वेरी वेरी जस्ट वेरी हैप्पी वेरी थैंकफुल एंड आई वॉन्ट टू जस्ट थैंक द ऑडियंस कोशिश यही रहेगी कि आगे वही फिल्में करूँ जो ऑडियंस को पसंद आए और वैसी फिल्में करूँ जो हर तरह की ऑडियंस समझ सके okay, शायद सर जिस तरीके से कबीर सिंह को प्यार मिला है ऐसा साल में हमें देखने नहीं मिला ऑडियंस इतना प्यार किया यू हैव सीन द वीडियो एंड एवरीथिंग बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो द अदर पार्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड द फिल्म गॉट इनटू अ डिबेट जहां पे पीपल वर लाइक कि दिस इज नॉट यू नो करेक्ट और दिस इज नॉट सर सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट मैंने हमेशा से यही कहा है कि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि ऑडियंस बाहर निकले या उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि ये फिल्म ऐसी नहीं होनी चाहिए थी या ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है वी लिव इन अ डेमोक्रेसी जिस तरह लोगों को फिल्में बनाने का हक है उसी तरह हर इंसान को फिल्म पे कमेंट करने का हक है मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दैट आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग ग्रेट एक्टर्स जिनका सबसे बड़ा एम ये नहीं था कि मैं कैसे कैरेक्टर्स प्ले करूँ कि लोग मुझे बहुत ही अच्छी नज़र से देखें वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स नॉट वेल बिहेव कैरेक्टर्स हर तरह के कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुझे ये नहीं लगता कि ऑडियंस इतनी स्टूपिड है कि उन्हें लगता है कि इंसान जैसा कैमरे के ऊपर बिहेव कर रहा है आम जिंदगी में भी वो वैसा ही है इनफैक्ट मेरे पिछले 7-8 परफॉर्मेंसेज में कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे से सिमिलर नहीं है लोग ये जानते हैं कि आम आदमी में शाहिद कपूर कौन है वो कौन से जिम में जाता है उसके कितने बच्चे हैं उसकी बीवी क्या करती हैं वो ये सब जानते हैं और जब वो फिल्म देखते हैं वो एक फिल्म को एक फिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं टाइम पास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या एक आर्ट फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किसी ने अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस किया और एक अच्छी फिल्म का डेफिनेशन ये नहीं होता कि उसमें कितनी अच्छी चीज़ें दिखाई गई उसका डेफिनेशन ये होता है कि जो भी वो दर्शा रही थी उसने उसको कितनी सच्चाई से और कितनी पोटेंसी से दर्शाया कि ऑडियंस उससे कितना इफेक्ट हुई एंड आई थिंक ऑन दैट कबीर सिंह वाज अ 10/10 हमने कहीं भी किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है कबीर सिंह के बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी मेस्ड अप कैरेक्टर है और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो अच्छे लोगों को नहीं करनी चाहिए लेकिन हमने कभी ये कहा ही नहीं था कि कबीर सिंह बहुत ही अच्छा इंसान है और वो अच्छी अच्छी चीज़ें कहेगा शुरुआत से प्रोमो में हमने यही कहा था दैट दिस इज़ अ फिल्म अबाउट अ वेरी वायलेंट मेस्ड अप कैरेक्टर लेकिन उसके अंदर एक दिल है उसके अंदर कुछ अच्छाई भी है और कई बार सिनेमा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के अंदर की अच्छाई को भी ढूंढता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम में से कोई भी इंसान जो है उसने पूरी जिंदगी तह जिंदगी बिना कोई गलत काम किए या किसी गलत फेस से गुजरे कोई भी नहीं होगा यहाँ पर मैं खुद अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब मैं अपने जीवन को यू नो मुड़ के देखता हूँ तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे मैंने कई बार लोगों से जाके माफ़ी मांगी है कई बार नहीं मिल पाया उनसे मन में ऐसा रह गया कि यार कभी मौका मिलेगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम सब के अंदर अच्छा और बुरा दोनों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं तो फिल्में जो हैं वो सिर्फ यू नो कैंडी फ्लॉस हो जाएंगी यू नो अबाउट थिंग्स दैट डोंट रियली एग्जिस्ट और अगर आप सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो पहले आपको उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा अगर बैड बिहेवियर वायलेंस एक प्रॉब्लम है तो अगर आप उसको दिखाएंगे नहीं तो लोग उसके बारे में बात कैसे करेंगे आज कबीर सिंह फिल्म रिलीज़ हुई उस वजह से बहुत सारे लोगों ने उठकर ये बात की कि यार ये बिहेवियर सही है ये बिहेवियर सही नहीं है वो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन हो गया कितने लोगों के बीच में ये बात हुई सिनेमा का काम है लाइफ को दर्शाना इट हैज़ टू मिरर लाइफ एंड टू ब्रिंग अप कॉन्वर्सेशंस सिनेमा का काम ये नहीं है कि वो चीज़ों को सॉल्व करे सिनेमा का काम ये है कि वो बताए कि हमारी सोसाइटी यहाँ है और जो लोग उस फिल्म को देख रहे हैं वो उसको देखकर खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या बदलना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है कबीर सिंह एक अडल्ट फिल्म थी वो बच्चों के लिए नहीं थी एक उम्र होती है जब आप शायद ये नहीं देख पाते कि सही क्या है और गलत क्या है द पावर ऑफ डिस्क्रेशन इज़ नॉट देयर एट अ यंग एज
फिल्म अडल्ट्स के लिए थी और मुझे लगता है अडल्ट्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो एक फिल्म को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हीरो एक फिल्म के अंदर गन लेके 10 लोगों को मार रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी वही करेंगे, या अगर एक फिल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं भी बीच में ऐसा कुछ करना शुरू कर देंगे, या अगर एक फिल्म के अंदर कोई वायलेंट बिहेवियर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है बाहर जाके वायलेंट हो जाएंगे। वो कहेंगे एक्टिंग अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, कहानी अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, मज़ा आया कि नहीं आया, कुछ ऐसा दिखा कि नहीं दिखा कि जीवन में ऐसा होता है यार ये चीज़ें दिखानी चाहिए। सो आई थिंक सिनेमा इज़ ऑल्सो अ थेरेप्यूटिक मीडियम वेयर यू गेट टू सी थिंग्स एंड यू लर्न वाइल बींग इमोशनली अफेक्टेड बाई वॉट यू सॉ अबाउट लाइफ। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड इन वैन यू रिफ्लेक्ट लाइफ यू हैव टू रिफ्लेक्ट इट ऑनेस्टली, यू कैन नॉट रिफ्लेक्ट इट इन अ हिपोक्रिटिकल मैनर बाई शोइंग सम थिंग्स एंड नॉट शोइंग सम थिंग्स। In a democracy and in whenever you make cinema in the true sense, you have to be able to show different types of characters. That's my understanding of acting, that's my understanding of cinema. I don't endorse anything Kabir Singh did, but that doesn't mean that it's not my job to represent him correctly, because I'm an actor. It's your job to decide what you think is right about what Kabir Singh did and wrong about what Kabir Singh did as an audience, and I leave that right to you. I don't want to tell you as an audience कि आपको ये देखना चाहिए और ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये आपको ये नहीं देखना चाहिए। किसी भी अडल्ट को कोई नहीं बताना चाहिए कि उनको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, उस इंसान को खुद डिसाइड करना चाहिए। फॉर विच ऑल काइंड ऑफ फिल्म शुड बी मेड। बहुत लंबा था ना, मस्त था। रणवीर सिंह और लड़की आंख मार रहे थे, मैं बाजू से देख रहा था, फिर उन लोगों ने मुझे भी बुला लिया तो मैं भी पार्टी में शामिल हो गया। जी मेरे दो बच्चे हैं, सो ये सब छोड़िए, नींद कंप्लीट नहीं होती है। मैं यार यहाँ गाड़ी में सो जाता हूँ, मैं जब मुझे चांस मिलता है तो मैं ज़्यादातर गाड़ी में अकेला ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि एक डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है कहीं भी पहुँचने में, तो एक पावर नैप उसमें मिल जाता है विच रियली हेल्प्स, बट नींद की कमी हमेशा महसूस होती है। मैं बहुत नर्वस हूँ यार, यू नो कबीर सिंह के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सही फिल्म होगी अगली, लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन होगा, ऐसा लगता है मैं तो इस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर ही नहीं सकता, बिकॉज पीपल हैव लाइक्ड इट एंड लव्ड इट सो मच, आई हैव नेवर गॉट सो मच लव बिफोर, सो आई रियली डोंट नो व्हाट विल बी द राइट फिल्म टू डू नेक्स्ट। व्हाट आई विल से अबाउट जर्सी इज कि मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कि मैं एक फिर से एक रीमेक करूँ, मेरे मन में था कि कोई ओरिजिनल फिल्म मिले तो मैं वो करूँ, लोगों को नहीं लगना चाहिए मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना और वो कहानी जब मैंने देखी वो फिल्म तो मेरे दिल को छू गई, बिकॉज हालांकि वो क्रिकेट पे बेस्ड है लेकिन वो एक 36 ईयर ओल्ड के बारे में है जिसका एक 6 साल का बेटा है जो क्रिकेटर था और अब वो छोड़ चुका है, और 36 साल की उम्र में फॉर सर्टन रीजंस वो डिसाइड करता है कि नहीं मैं फिर से जाके वही करूँगा जो मुझे आता है, जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ और जो मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है विच इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट। तो मैं पर्सनली बहुत रिलेट किया मैंने इस कहानी के साथ, क्योंकि मैं भी 38 का हो गया हूँ और कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार ये मेरा ब्लॉकबस्टर पिक्चर तो आ नहीं रही है तो मैं क्या करूँ यार, कुछ और ट्राई करूँ क्या, मेरे को ऐसा लगता था यार, यू नो। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो, यू नो आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए यार, चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले थोड़ी मिले लेकिन दिल खुश रहता है। तो वो फिल्म का मैसेज जो है ना वो उस टाइप का मैसेज है, तो मुझे वो एक्चुअली मैं 4 बार रोया जब मैंने वो फिल्म देखी। और ये कैरेक्टर बिल्कुल भी कबीर सिंह जैसा नहीं है, ही इज़ अ वेरी शांत कैरेक्टर, क्वाइट है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी और जर्नी है मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। मुझे ऐसा लगा ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी ऐसे वीक मोमेंट से गुजर चुका हूँ जब मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कुछ और ट्राई करे क्या यार, अपना थोड़ा टाइम नहीं, इधर मन बन नहीं रहा है, लेकिन दिस इज़ द ओनली थिंग आई नो यार, मेरे को एक्टिंग आती है, आई लव एक्टिंग, आई लव मूवीज़, तो मैं ट्राई करते रहता था। और ये फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा आई वॉन्ट टू से दिस टू द ऑडियंस, दैट्स व्हाट जर्सी इज़ अबाउट। आपका फेवरेट शॉट कौन सा है, क्योंकि हम स्लीपिंग देखते हैं, आप ऐसे छक्के लगाते हैं, तो आप
नहीं यार वो एक छक्का लगा था, वो क्लिप बहुत अच्छा मिल गया तो मैंने कहा इसको पोस्ट कर देते हैं। लेकिन हाँ मैं काफ़ी काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारी कोशिश ये है कि जब हम फिल्म करें तो हम 99% रियल सीजन बॉल से ही क्रिकेट खेलें, क्योंकि कई बार आप विदाउट बॉल शूट करते हो और पोस्ट में बॉल को डालते हो, या रबर बॉल्स होती हैं विच आर पेंटेड लाइक सीजन बॉल्स, आप उनके साथ खेलते हो। लेकिन सीजन बॉल के साथ खेलने का जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती है। तो हमारी कोशिश है कि वी ट्राई एंड मेक इट एज़ रियल एज़ पॉसिबल, एज़ ऑथेंटिक एज़ पॉसिबल। तो इसलिए मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्रिकेट की और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पॉइंट तक पहुँच पाऊँ जहाँ पे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर लगता हूँ। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स फिल्म में आप जब भी बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो स्पोर्ट है वो ऑथेंटिक लगनी चाहिए, बिलीवेबल लगनी चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू अचीव दैट, लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड शायद ये कबीर सिंह की सफलता के बाद हम आपको ऐसे क्रिसमस एंड न्यू ईयर की क्या कुछ प्लानिंग देखेंगे हम आपको ऐसे? सर काम कर रहा हूँ सर, एक्चुअली पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मेरी 7-8 दिन के जो स्केड्यूल्स हैं वो काफ़ी हिल गए। तो मैं न्यू ईयर और क्रिसमस पे शूटिंग कर रहा हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी लोगों का इंपॉर्टेंट टाइम ख़राब कर चुका हूँ अपनी बीमारी की वजह से। मैं अब बहुत बेहतर हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट आई हैव टू कवर अप फॉर टाइम। आपकी तरफ से एक न्यू ईयर क्रिसमस की विश? ऑफ कोर्स, दिस इज शाहिद कपूर विशिंग एवरीबडी, ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Let's make the right resolutions this year. Let's save the planet this year. Let's be more responsible this year. And let's be less critical this year. Let's learn to appreciate. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shahid bhai. Nailed it. Hello, good evening. How are you? Good, really excited because we're starting the season of awards with Star Screen Awards. और मैं परफॉर्म कर रही हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी कर रही हूँ शायद के साथ ऑन कबीर एंड प्रीति, और पहली बार मैं गा रही हूँ या बेख्याली पर। तो एक्साइटेड, आई थिंक 31st नाइट जब ये एयर होने वाला है, होपफुली पीपल विल हैव अ ग्रेट ग्रेट एंड टू 2019 एंड बिगिनिंग टू द न्यू ईयर। How do you look at 2019? Because first we had Kabir Singh and now we are having good news. So how are you looking at it? Well, it's a very special year. I think the love that we've got for Kabir Singh has been overwhelming. And fingers crossed that the year ends on a big bang, because already I'm feeling this energy of good news that that y'all are all giving us. So very, very excited for y'all to see the film. And good news ki agar hum baat kare, like trailer aaya, wo jithe gaane jitne aa rahe hain, wo sabhi hit. So kaise dekhte hain aap is film ko and मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इतना ये इस फिल्म आई हैव गॉटन द अपॉर्चुनिटी टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी विच राज हैज़ रिटन, एंड
I think we've had such a good time making this film that we can't wait to share it with the audience. And I think वही दिख रहा है क्योंकि the kind of love we're getting, that's exactly how we shot this film, with that much excitement and love. So I think that's exactly why it's getting that kind of love as well. Thank you guys. Thank you. Lakshmi ने मुझे style किया है and yeah. I'll give my team all the credit. Thank you guys. Time की problem हो जाता है तो वो आपका few line हमारे लिए भी कम है. थोड़ा गुनगुना दीजिए ना. Please please please. No, don't gungun. Okay, 31st रात को आप देखो. चलो thank you. आप पूजा हाँ. Good news. ऊपर चलो भाई अब इसको आधा घंटा तक दे दो आप आज की कमान अरे रुक जा भाई रेडी सबका क्या हाल है भाजी मैं बढ़िया हाँ जी भाई आपके हाथों में है कमान या हाथ में आ गई है मतलब ये तो आज की शाम होस्ट कर रहा हूँ ये स्टार स्क्रीन अवार्ड इंडिया की नंबर वन रात है आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ होस्ट करने के लिए पहली बार ये स्टार स्क्रीन अवार्ड है जो होस्ट कर रहा हूँ रेली रेली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बहुत सी मस्ती होने वाली है फन होने वाला है हंसेंगे खेलेंगे और बढ़िया परफॉर्मेंस देखेंगे और जो भी नॉमिनीज हैं जो भी विनर्स हैं उनको अवार्ड दिए जाएंगे सो रेली रेली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग मैं बहुत ही एक्चुअली मैं सच बताऊँ मैं ऋतिक सर की परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं शाहिद की परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत सी परफॉर्मेंसेज हैं कृतिज परफॉर्मिंग कियाराज परफॉर्मिंग नौराज परफॉर्मिंग लॉट ऑफ पीपल आर परफॉर्मिंग सो रियली रियली वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल द परफॉर्मेंसेज एंड जस्ट हैव अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग भाजी फन मस्ती की अगर बात करें तो छिछोरे जिस तरीके से इतनी एक्सेप्ट की गई है सो आई एम एक्सपेक्टिंग एक दो अवार्ड्स वाले छिछोरे के नाम आई रियली होप एंड प्रे दैट यार छिछोरे को अवार्ड्स मिले बिकॉज जो प्यार छिछोरे को मिला है इट्स जस्ट बीन फिनोमिनल और लाइफ मेरी लाइफ की बहुत ही करीबी फिल्म है छिछोरे मेरे दिल के बहुत करीब है मैं खुद नॉमिनेट हुआ हूँ इस साल तो देखते हैं कि अगर अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट नॉमिनेटेड एंड आई एम श्योर आई होप दैट द फिल्म विंस अ लॉट ऑफ अवार्ड्स सो भाजी व्हाट्स नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट रूही अफजा इज द वन दैट द नेक्स्ट रिलीज इज गोना बी रूही अफजा व्हिच इज अ फिल्म व्हिच इज बीइंग डायरेक्टेड बाय हार्दिक मेहता इट हैज राजकुमार राव जानवी एंड मी इट्स अ हॉरर कॉमेडी दिनेश विजन और मृगदीप सिंह लांबा ने प्रोड्यूस करी है फिल्म मैडॉक प्रोडक्शंस की है तो अप्रैल में ये फिल्म आएगी क्रिसमस एंड न्यू ईयर भी होती है भाई बिल्कुल प्लानिंग होती है मैं क्रिसमस पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस बारी मैं क्रिसमस अपने फ्रेंड्स के साथ मना रहा हूँ वी आर प्लानिंग टू टेक एक छोटी सी वेकेशन के लिए हम प्लान करें डिसाइड नहीं करी है जगह क्योंकि कहीं बाहर जाने का सोच रहे थे तो ठंड बहुत थी और कपड़े ज़्यादा पहनने पड़ेंगे जितने ज़्यादा कपड़े पहनोगे उतने ज़्यादा हैप्पी लगोगे तो अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा है बट क्रिसमस मेरे फ्रेंड्स के साथ है इस साल का और जो न्यू ईयर्स है वो हर साल की तरह मैं अपने मदर और सिस्टर के साथ घर पे ही बनाता हूँ तो जो न्यू ईयर्स है वो फैमिली के साथ होगा और क्रिसमस दोस्तों के साथ होगा छिछोरे वाले अंदाज में होगा पूरा फुकरा छिछोरा सब अंदाज में होगा जब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो मतलब हर चीज़ छिछोरे रहती है सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ भी छिछोरी चीज़ हो जाती है बट अच्छे हार्मलेस छिछोरे स्टाइल में होगा बहुत ही खूबसूरत रहा है यार मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छा मेरा ये साल रहा है मेरी तीन फिल्में खानदानी शफा खाना अर्जुन पटियाला और छिछोरे ये तीन फिल्में मेरी इस साल रिलीज हुई थी एंड इट्स बिन जस्ट ग्रेट जिस तरह का प्यार लोगों ने दिया एंड लुकिंग फॉरवर्ड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल फॉर 2019 बहुत ही एक नया नाम भी दे दिया इस साल में मुझे चूचा के बाद अब सेक्सा एक और जो नाम है वो आ गया है जिंदगी में किरदारों में जुड़ गया है सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड 2020 में आई होप ऐसे ही एंटरटेन कर सकूँ और किरदारों के नाम जो अपने साथ जोड़ने की कोशिश रहेगी थैंक यू थैंक यू न्यू ईयर विश रेडी
हाय मैं हूँ वरुण शर्मा और आप सभी को हाय दिस इज वरुण शर्मा एंड विश यू हाय दिस इज वरुण शर्मा एंड विशिंग एवरीवन अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। बोला रहा हूँ तो बोल ही नहीं रहा। हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आप लोग कैसे हैं? व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इवनिंग? वेल टुनाइट आई एम परफॉर्मिंग सो आई एम होपिंग इट विल बी गुड। Hopefully everyone will enjoy my performance and I think it's going to be a star-studded glamorous evening as usual. Yes.
So obviously Saki is there, right? And we're also introducing one of the new songs from Street Dancer. So that's also going to be there. So I'm really excited for that. And of course, Ek To Kam Zindagani is one of the songs. And yeah, it's going to be a power-packed performance. 7 minutes. And yeah, I'm looking forward for Hrithik Roshan's performance. Yes. So 2018 was huge for me, and 2019 is also very huge. Of course, Saki Saki is a chart buster, and people received the choreography so well. And of course, my role in Batla House was received so well, and I was really proud of that achievement for myself. And now Street Dancer is coming out soon. That's also a huge milestone for me. And I'm just so grateful. Yeah, the love and the support from everybody is just growing day by day. So, Lula, can we So I'm debuting a Moroccan traditional kaftan, and it's something that's really close to me. It's designed by Mareem Bekhayat, and I just love Moroccan kaftans. I think they're really beautiful, very glamorous, and very elegant. And I hope that we can see more of that on the red carpet in Bollywood. Yeah. So Nora, aisa lagta hai ki after Batla House, now even in Satyamev Jayate, we can expect a role from you, isn't it? Oh, I don't know. You're going to have to ask Milap, sir. But are you hoping for it? Because people have appreciated your part in Batla House. Yeah, I'm very appreciative for that. Thank you. No, but you'll see me in Street Dancer, acting and dancing, which is going to be superb. And then obviously we'll have another film announcement where you'll see me acting again. And I'm looking forward. Yes. Thank you so much. Thank you so much. 2020 plan? 2020 plan? हार दूंगी क्रिसमस का प्लान जस्ट प्रमोशन आई बी प्रमोटिंग स्ट्रीट डांसर एंड द न्यू सॉन्ग इन स्ट्रीट डांसर यस वर्क वर्क अरे उनको करना पड़ेगा ये आराम से आराम ओके हाँ जी हाँ जी माइक गिरा है ना हाय ये भाई किसको छोड़ मत इधर से वन सेकंड थैंक यू यार उन पीछे बैठ जा should appreciate पार्ट देगा मैं अरे पता है पहले विजुअल Yes, two questions. I'm from the Southwest. Right. Thank you. Right. Sam. Right. Thank you.
फ्रॉम द इवनिंग वेल आई एक्सपेक्ट टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आने वाला है, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है. बट भाई आपकी फिल्म पकड़ा पाले उसको भी मतलब काफी नो देयर इज देयर इज अ बज अराउंड, बट इट्स लाइक कि व्हेन इज इट कमिंग एंड हाउ इज इट गोइंग. सो प्रमोशंस में बिजी हैं आज आजकल आप? प्रमोशन शुरू हुई है सो हां थोड़ा बहुत बिजी रह रहे हैं, बट 3rd जैन इट्स रिलीजिंग जी नाउ एंड फिल्म को लेके काफी एक्साइटमेंट है हमारी. आई होप ऑडियंस आल्सो लाइक्स इट. मैडम आप कितनी एक्साइटेड हैं आपकी फिल्म को लेकर एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस विद? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मेरा डेब्यू है सो ऑब्वियसली आई एम रियली रियली हैप्पी. और आई थिंक सनी के साथ काम करना, पूरी टीम के साथ काम करना बहुत ही अच्छी जर्नी रही है. एंड या आई होप यू गाइस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑन 3rd जैन. Ari, how do you look at your brother's year? He has kick-started the year with a bang. Yes, of course. Yeah, so I'm sure he'll nominate. What's your feeling for that? Yeah, I don't know. It's just... what the film did for everyone, and it was very special, and Aditya, man, is such a special guy, the guy who, Aditya, who directed Uri, and kisi ne expect nahi kiya tha, basically, jo film ne kiya hai, and just very proud feeling that I get, Thank you so much. अच्छा रुको एक सेकंड. यार कंपनी साइड पर अनाउंस कर आने रहने का महेश शांति बड़ा शांत थोड़ा आराम से अच्छे से एक सेकंड. थैंक यू. एक सेकंड. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू महेश. फिक्स कैमरा आराम से. बहुत सारे लोग गोली खा के आए तो वाइट सिंगर किशन किशन हाँ एक मिनट रुक दो मिनट सब कुशल मंगल. बिल्कुल सब कुशल मंगल. कितनी एक्साइटेड है फिल्म, इनकी फिल्म
को लेकर यू नो ट्रेलर तो आ ही चुका है, तो अगर आपका बहुत ज्यादा जिस तरह से एक्चुअली रिस्पॉन्स मिला है वो काफी ओवरवेलमिंग है, मतलब आई एम रियली स्टन्ड एक्चुअली रिस्पॉन्स देखकर. I mean, I can't put it into words, yeah. Shabdon mein zahir nahi kar paunga, lekin I'm just so excited and so overwhelmed with the whole thing. Excitement and nervousness has merged and become a massive emotion for me, you know. And ma'am, agar aapki baat kare to Panipat mein people are appreciating your role, they are appreciating your part. What do you want to say about it? Matlab it was after a break that you came back into scene. So what do you want to say about it? Yes, I'm happy. I mean, that in such a small part, people are liking what I have done. मतलब people are calling out to me as गोपिका भाई, so it feels great. प्रियांकी, you know, आपकी family में देखा जाए तो लगभग हर कोई हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार है, चाहे वो सरला जी की बात करें, पद्मिनी जी, कैसे जी. कुछ प्रेशर है आपके ऊपर, आपकी आई नो आपकी फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, तो कितना प्रेशर सर फील करते हैं? प्रेशर नहीं कहूँगा सर, क्योंकि प्रेशर में मैं काम नहीं कर पाऊँगा, यू नो आई जस्ट वॉन्ट बी पॉजिटिव. और मैंने ये पहले भी कहा है कि इफ़ आई कैन बिकम हाफ द एक्टर माय मॉम इज, आई थिंक आई एम ओके. शूटिंग के दौरान कुछ टिप्स लेते हैं आप कि आज ये शेड्यूल होगा, सो पद्मिनी जी आप कुछ ऐसे हेल्प करती हैं? टिप्स नहीं, पर व्हाट मॉम सेड बेसिकली इज जस्ट बी नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, और कैलकुलेशन मत करना. मतलब अगर एक सीन करना है या कुछ रिएक्शन देना है तो उस रिएक्शन के हिसाब से ये रिएक्शन देना है, वो कैलकुलेशन मत करना. सो दिस इज समथिंग दैट आई टुक एंड आई काइंड ऑफ इनकल्केटेड. कितनी उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से? एंड मैं उम्मीद ज़्यादा रखती नहीं, बट पॉजिटिव हूँ, और जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है तो ऑब्वियसली फिर थोड़ी सी उम्मीद बढ़ती है, और मुझे लगता है काफ़ी उत्सुक है लोग ये फिल्म देखने के लिए. जहाँ जहाँ अभी प्रियांक जा रहे हैं प्रमोशंस के लिए, जिस तरह से प्यार मिल रहा है इसको, बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. किधर है टीवी लाइन? ऊपर देखने बोल रहा है, एकदम नीचे जा रहा है. कितना ऊपर बता? ठीक हो तुसी? वापस जगह पे आ गया जी. सारे अवार्ड तुम द्वारा पहले 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 विजुअल कर लो तुसी. थैंक यू. कौन सा वाला? खाली हो जाना तो सामने. अरे इसे बाइट हो जाने दे. अरे हेलो, 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 गुड इवनिंग, हाउ आर यू? तुम्बाड़ कैसे लेके जाएगा यार? तुम्बाड़ तो पिछले साल आई थी, भी स्पेशल ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि तुम्बाड़ को दोबारा आप दे दो अवार्ड. तो गली बॉय से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं यार, आर्टिकल 15 से बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो आई होप ये फिल्में बड़े अवार्ड जीते हैं इस बार. जिस तरीके से कंटेंट का साल रहा है, कंटेंट फिल्में चली हैं, इट वाज नॉट अबाउट यू नो कि कौन से डेट पे आ रही है, राइट. फेस्टिवल रिलीज है. सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस चेंज? यार बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, मुझे लगता है कि जरूरी है. कि नहीं तो एक ही तरह की फिल्में देख रही थी ऑडियंस, अभी अलग अलग तरह की फिल्में देख रही हैं, नया कंटेंट आ रहा है, बाला आई, आर्टिकल 15 आई, और बहुत ही एक्सेप्टेंस आ गई है हर तरह की फिल्म की. तो क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत आज़ादी हो गई है, डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, और इतने OTT प्लेटफॉर्म आने से बहुत काम बढ़ गए. तो ये एक फिल्म जो एक फील्ड है जो बहुत ही लोगों को अनसिक्योर लगा करती थी, मुझे लगता है बहुत ही लेजिटिमेट हो गई है. तो ये भी एक सिक्योर बिजनेस है, ये भी एक सिक्योर प्रोफेशन है. तो मैं बहुत खुश हूँ यार, कंटेंट ड्रिवन फिल्में चल रही हैं और मुझे लगता है कि आगे भी चलती रहेंगी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे? आज आपके नॉमिनेशंस भी है, आपके गाने जो है
लोगों ने तो इतना पसंद किया ही है, बट आज नॉमिनेशन, तो व्हाट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द नो एक्सपेक्टेशन? आई थिंक इससे अच्छा बर्थडे नहीं हो सकता है, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके साथ कैसे हुआ बनाया वो है मनोज भैया, एंड देर इज वैलिडेशन हैपनिंग. वैसे भी लोगों ने इतना प्यार दिया है और उसके बाद इस तरीके का वैलिडेशन मिलता है, तो आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल थिंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. सो हाउ डू यू लुक एट द ईयर 2019? इट्स बीन क्रेजी. आई हैव रिलीज 27 ट्रैक्स दिस ईयर एंड इट्स बीन ब्यूटीफुल एंड आई होप 2020 भी ऐसा ही रहे. आज बर्थडे के दिन एक्चुअली पता लगा दैट द काइंड ऑफ इफेक्ट माई म्यूजिक हैज हैड ऑन पीपल एंड द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग एंड द काइंड ऑफ लव दैट आई एम गेटिंग. I just hope that 2020 we make better song than he writes for me. He gets time to write for me. I mean, I have to. Sure, sir. So, बड़े भाई जी, आपका गाना अगर हम देखें, जी, तो हर किसी की जुबान पर आया, तो अगर एक लाइन अगर आप सुना सके, जी, जरूर. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अंतर से सुनाएं. हाँ जी बिल्कुल. मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, ऐ सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, कहीं पे हो राते कहीं पे सवेरे, ये आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी अंतरा बहुत लंबा, हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ. थैंक यू सो मच, बहुत लंबा. थैंक यू, थैंक यू सो मच. हेलो, कैसे हैं आप? मैम यहाँ पे Yes, we'll do the bikes. I don't know. Please move. Hello. Good evening. Hi. Where's Dub? He's gone. Okay, good. Okay, so first of all, what are expectations from the evening? I don't know. Everybody, this is Dub Sharma. He's the composer. This was his first film. He did Jingostan, Azadi and Apna Time Aayega. He's nominated today. So I'm expecting him to win. For starters, I don't know. We've got about 16 or 17 nominations. My whole crew's inside. So I'm very excited. And let's see what happens. It seems he maximum awards. So Gali Boy Koi Jayenge. I don't know that. Now, there were some very big films. But let's see. Yeah. How do you look at 2019? The year? 2019 was a very good year. It was a very good year for me. I'm very happy with things that happened. And it's a year that my company, Rima Kakti, and my company started. So I'm very happy with 2019. So what are preparations for the Oscar, big night, Oscar night? That I don't know now. We are prepping. Let's see how it goes. There are 93 films from the worldwide. So yeah, let's see. Thank you. Thank you. एक बार फोटो अपनी अदा के बारे में
अदा के बारे में आई डोंट थिंक बताना चाहिए, अब रेड कार्पेट पे सिर्फ दिखाना चाहिए अदा. Well, screener was planning to get very entertained क्योंकि हर साल बहुत entertaining होता है and my film's nominated for best action and we're a super hit Commando 3 so I'm quite excited to be here. काफी लोगों को पसंद आ रही है, अभी भी लोग देख रहे हैं. जी कैसे सक्सेस को कैसे देखती हैं? I'm biggest, you know, we can say the best of the franchise. Many are hailed as the best of franchise. Yes. And I'm quite excited because I think a film like this, which had women empowerment, it had so many things to it. It had the whole love for your country angle and everything. So I think it's really cool because I expected it to work really well in single screens, but we went and visited multiplexes, and people there are standing and cheering for the country and all. It feels really nice. Also, I'm very happy people understood my humor and laughing at all the jokes that I was cracking in the film. I was really happy that the punches were landing, both. The actual ones and the funny ones. So for an actor, it feels really nice when your movies are hit and people are appreciating. So Commando 4 is fixed. Yeah, they've announced it, so it better be. Yeah. Thank you. Yes. Hold on, ma'am. This camera. Good evening. ये साल बहुत अच्छी अच्छी फिल्में रही हैं, सो आई एम सपोर्टिंग ऑलमोस्ट एवरी वन बिकॉज वन ऑफ आर फिल्म्स आर नॉमिनेटेड, सो आई कैन सपोर्ट एवरी वन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल द लाइव परफॉर्मेंसेस, सो यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड. आई एम रूटिंग फॉर कबीर सिंह दिस बिकॉज आई थिंक शायद वॉज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, सो यस that's what I've been doing. Production ke bare baat kare to there are big films lined up, so what do you want to say about it? I'm just very excited, especially Coolie number 1 because my dad started his career as a producer. Unhone Coolie number 1 se shuruaat ki thi, to producer change ho gaya, director wahi hai, but yes, very very excited and baki sari filmein bhi hai, but Coolie number 1 specially because that's where my dad started and I'm very very happy ki main bhi wahan se shuruaat kar raha hu, so yes. But what about Bell Bottom? Bell Bottom, yes, it's one of my favorite films. There's Jawani Jaane Man and there's, but yes, Bell Bottom, 22nd January 2021, please Anna. But yes, it's, we have Akshay Kumar doing that, so of course we know that it's going to be outstanding, but also the story is very very good. Ranjit the director is very very good, so I'm looking forward to next year and hopefully I should be nominated next year. Thank you. Hi. Hello, hello, hello. Hi. Good evening. Good evening. Sure. So first of all, what are expectations from the evening? होपिंग कि कबीर सिंह का अपना जलवा भी और बिखेरेगा वो भी, सो बेख्याली इन मेरे सोनिया
still waiting ki kya ho sakta hai playback ke liye bhi and music both. But Kabir Singh is one of the most loved soundtrack. The film ko pasand ki gayi wo to alag hai, but the soundtrack bhi dekha jaye to still it's, you know, there are people listening to it. So what do you say about, matlab have you expected ki itna rage ho jayega? It will be like an no, honestly hum log jab bhi ek डेढ़ saal pehle se kaam kar rahe the, we only thought about the film, the character, that was the most important to us. Aur जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला, इवन वी वर सरप्राइज्ड कि एक चार दीवारों में बनी चीज़, जब यू नो व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज हियरिंग, आई थिंक इट्स अ बेस्ट गिफ्ट फॉर अ कंपोजर रियली. बिल्कुल. बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूर ये सवाल आए. थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए. थैंक यू सो मच Very excited for the Star Screen Awards. This is my very first film. Amu was also awarded here, and it's very exciting to be back here. So, as a director, how do you look at the year 2019? For me, it was a fabulous year. It was all about The Sky is Pink, and you know, we finished our film, we released our film, got huge response, and it's been terrific year. Thank you so much. Thanks. Excuse me, ma'am. Hello. अरे मैम हो रहा है यहाँ जो भी है भाई. थैंक यू फर्स्ट मार्च ओके मैम इज कंफर्टेबल देख कर ले. Good evening, ma'am. Hi. Good evening. Hello. Good evening, ma'am. Kabir Singh, mein your role was the most cutest, sweetest, and the most powerful role. One of the role. We can say that. What do you want to say about it? People loved it. I loved it personally. We all loved it. So what do you want to say about it? Well, only it was a minuscule role. It was a very nice role, and I think it's very honest and straightforward. What you're trying to say is, you can have fun, you can have friends, you can have relationships, but it's above board, you know. He's too blank, and it's very interesting because it's a very frank relationship that you're propagating. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am.
Hello everyone. Hi. Hoodie new style. जी क्योंकि आज की शाम स्टार स्क्रीन अवार्ड्स है सो आई एम वेयरिंग दिस वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस बाय इंटरनेशनल डिज़ाइनर कॉल अहमद कुट्योर मायामी बेस्ड डिज़ाइनर है तो उन्होंने ही पूरा स्टाइल किया है इट्स अ हुडी बेस्ड आई एम प्रेजेंटिंग फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफी टुडे टुनाइट और आज की शाम मैं इंतज़ार कर रही हूँ ऋतिक रोशन जो है उनकी डांस परफॉर्मेंस का बिकॉज आई रियली एडमायर हिज डांसिंग एंड या एंड शाहिद्स डांस परफॉर्मेंस इज वेल थैंक यू Hi everyone, it's me Urvashi Rautela and wishing you all a very happy new year and Merry Christmas. Thank you. Hi. Hello. Good evening. Good evening. How are you doing? Expectations from the evening? Oh, great expectations. They are very excited to be here. This is my first time here at Star Screen. So it's a great feeling. I've always watched the award, the function on television and to be here now, it's a great feeling. Very excited. Film aapki release hogi, but aapko kis tarike ka response mila, particularly talking about your performance. Right. Because there are many who said, you know, Vadhanpur is one of the promising newcomers. Right. It's a great feeling because this was a dream since I was 5 years old to be a film actor. Ek hi sapna tha ki theater actor ke saath saath film actor bhi ban pao. The media has been so kind, reviews, touch wood itne positive mile hai, logon ne itna pyar diya hai, toh isse aur kuch main mangi nahi sakta. It's a great feeling and lot of respect, lot of love to everyone who has enjoyed the film and looking forward to entertain you with many other films. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah? Thank you all. जी मैं ऊपर ही देख रही हूँ ब्यूटीफुल आउटफिट
थैंक यू। ये आउटफिट जो है ये मिस्टर कलर करण मल्होत्रा का है और बहुत ही सुंदर आउटफिट है, थोड़ा इसे मर्मेड लुक दिया गया है और बस। आज की शाम से क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं आप? अपनी बट हाँ आई थिंक बहुत लोग नॉमिनेटेड है और बहुत लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मुझे एक्चुअली पता नहीं कि कौन परफॉर्म कर रहा है बट आई एम श्योर बॉलीवुड पूरा टैलेंट से भरा हुआ है और जो भी परफॉर्म करेंगे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अंकिता ये पूछ रहा है कि मतलब एक्टर्स की लाइफ में मतलब नींद बहुत कम होती है, आई थिंक टेलीविजन और फिल्म में बहुत फ़र्क है। टेलीविजन में आपको बिल्कुल सोने का टाइम नहीं मिलता है और फिल्म में यू स्टिल गेट टाइम क्योंकि आपका शॉट होता है, फिर यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ। बट जहाँ तक मेरी बात है मैं अच्छे से अपनी नींद निकाल लेती हूँ, मैं सोती हूँ 12 घंटे की, मेरी नींद पूरी होती है। तो अंकिता देखा जाए तो आफ्टर मणिकर्णिका वी आर एक्चुअली सीन इट राइज इन यू नो बायोपिक्स ऑफ यू नो वॉरियर ऑफ लेजेंड्स। यस यस आई एम आल्सो सीइंग द सेम। मैंने अभी पानीपत देखी, तानाजी देखी, मतलब पानीपत की ट्रेलर देखा, तानाजी का ट्रेलर देखा, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग यू नो। और जितनी भी फिल्म आ रही सारी मराठाओं पर आ रही है तो और क्या चाहिए। जी नहीं अभी तो आ गई ना, नहीं आप देख नहीं रही आपको ये कलर्स की बात है, आप स्टार प्लस में मत कीजिए ना। बस चुम्मा परफॉर्मेंस होने वाला है, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। एंड या दिस ईयर हैज गॉन वेरी वेल, इट्स स्टार्टेड ऑफ रियली वेल एंड इट्स विद लुका छुपी एंड देन हाउसफुल doing so well and now Panipat getting the reviews that it has. So yeah, 2019 has been very special. It was your first historical Panipat. Yes. So particularly talking about your character, what kind of response you are getting as Parvati Bhai? Great response, and I think it took me a little while to sink it in. You know, on Thursday, Friday, Saturday to like just sink it in. And I was somewhere, because mera pehla historical character hai, pehla aisa character hai jo कभी जिंदा रह चुका है हिस्ट्री में, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं पंजाबी हूँ, मैं महाराष्ट्रियन कैरेक्टर पहली बार प्ले कर रही हूँ, तो अगेन यू नो आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई वाज कन्विंसिंग एंड आई वांटेड टू मेक श्योर दैट पीपल डोंट सी कृति इन इट एंड दे सी पार्वती बाई। एंड सो फार द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई हैव गॉटन, इट्स रियली टचवुड, इट्स बीन वेरी वेरी अमेजिंग एंड आई एम एक्चुअली वेरी ओवरवेल्म्ड विद ऑल ऑफ इट। पार्वती जी, न्यू ईयर एंड क्रिसमस की क्या कुछ तैयारी होने वाली है आपकी तरफ से?
फिल्में हिट रही है तो ऐसे यू है आपकी सिस्टर का भी देखा जाए तो डेब्यू है आप फिलहाल लोगों की जुबान करें तो ऐसे क्या कुछ प्लानिंग करने वाली आप है योर सिस्टर ऐसा कोई प्लान अभी तक मैंने नहीं किया है आई वॉज सॉर्ट ऑफ बिजी इन प्रमोशंस एंड रिलीजिंग द फिल्म एंड एवरीथिंग बट यस ईयर बहुत अच्छा रहा है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है एंड जस्ट गोना बी सेलिब्रेटिंग विद माई फैमिली विद माई फ्रेंड्स एंड कहाँ ये अभी पता नहीं है देखा जाए तो फिल्म को रिस्पांस बहुत अच्छा मिला इट इट वाज गुड रिस्पांस बट कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि फिल्म बहुत ज्यादा लंबी है मे बी दैट्स द रीजन कि कहां कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कलेक्शन में कुछ ऐसा फर्क है व्हाट डू यू वांट से बट थोड़ी ज्यादा लंबी है पीपल आस्क आई मीन आई थिंक व्हेन यू आर डीलिंग विद हिस्ट्री टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज़ यू हैव टू शो फैक्ट्स यू हैव टू शो हाउ थिंग्स हैपेंड और जब कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो कि थे पानीपत की लड़ाई के दौरान तो उनको एस्टैब्लिश करने में थोड़ा समय जाता है हिस्टोरिकल फिल्में पीरियड फिल्में जो हैं उनकी शुरू में पेस थोड़ी स्लो होती ही है नॉर्मली अगर आप देखेंगे अनलेस एंड अंटिल इट्स अ लव स्टोरी बिकॉज लव स्टोरीज आर यूजुअली फेयरली ईजियर विद जस्ट अ फ्यू कैरेक्टर्स एंड लाइफ रिवॉल्विंग अराउंड देम हियर देर इज़ सो मच दैट इज़ हैपनिंग दैट आई मीन आई नो वॉट यू मीन बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ काट सकते थे जो इम्पोर्टेंट नहीं होता रेलिवेंट नहीं होता उस टाइम के लिए सो हैव सम पेशेंस बट इवेंचुअली आई फील लाइक इट्स अ स्टोरी दैट वी ऑल आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म एंड इट्स अ चैप्टर इन आर हिस्ट्री दैट यू नो वी ऑल मस्ट नो ऑफ एंड वी मस्ट ऑल सी सो व्हेन आई फील लाइक द मराठास एंड द वॉरियर्स कुड गिव देयर लाइफ तो हम थोड़े मिनट की लंबाई में क्यों इतना कंजूसी कर रहे हैं क्योंकि एक सवाल ये होता है कि क्योंकि एक सवाल जिस बोली बोली जिस तरह से शूट होता है शूट के शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक होता है फिर उसके बाद प्रमोशंस होते हैं बहुत सारी चीजें होती है तो कहीं ना कहीं नींद बहुत कम होती है अभी भी कम है अभी भी कम है तो फिर किस तरह से नींद पूरी करती हैं आप या फिर क्या प्रॉब्लम पेश आती है आई डोंट थिंक नींद पूरी हो पाती है अंटिल अनलेस यू गेट दैट 1-2 डेज ऑफ जो अभी तक नहीं मिले हैं तो छुट्टी पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके बाद तो मैं एक्चुअली कल ही शायद स्विट्ज़रलैंड जा रही हूँ शायद क्या मैं जा रही हूँ स्विट्ज़रलैंड काम से भी जा रही हूँ बट दो दिन एक्सटेंड करके थोड़ा रेस्ट करके चिल करके ट्रैवल करके भी आऊँगी सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट हाई आई एम कृति सैनन आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर हैव अ ग्रेट 2020 एंड विश यू ऑल लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस थैंक यू Can you recall like one compliment that you got from any of your friends or any from the film industry aapke role ko lekar आई थिंक जो रिव्यूज़ में भी लिखा जा रहा है टू बी ऑनेस्ट वैन पीपल आर पर्टिकुलरली अप्रिशिएटिंग योर परफॉर्मेंस एंड इट्स सरप्राइजिंग दैम दैट इन इट सेल्फ इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट लेकिन मेरे लिए आई थिंक मेरी मॉम मेरी सिस्टर ने भी बहुत ज़्यादा मतलब वो रोई है फिल्म देखकर बहुत पहली बार मेरी कोई फिल्म देखकर वो रोई है काफ़ी सो दैट वॉज अ बिग थिंग एंड मेरी मॉम हमेशा कहीं ना कहीं क्योंकि वो मुझे इतने अच्छे से जानती है कि वो मेरी फिल्में देखती है तो उनको मैं दिखती हूँ मेरे कैरेक्टर्स में एंड आफ्टर वॉचिंग द फिल्म शी टोल्ड मी दैट यू नो वॉट आई डिडंट सी कृति एंड आई सॉ पार्वती भाई एंड दैट वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर मी बिकॉज जो आपके बहुत करीब होते हैं उनको आप कहीं ना कहीं दिख जाते हो यू नो उनको आप जैसे लगते हो सो टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम हर डॉटर एंड बिलीव इन द कैरेक्टर आई थिंक दैट वॉज अ बिग कॉम्प्लीमेंट I mean, I would love to, but there's nothing that I know of, to be very honest. Thank you. Photo.
हाँ बोलो, नहीं जीतेंगे तो क्या करेंगे आप? अच्छा भी नहीं बोल रहा, नहीं आप बोल सकते हैं। अच्छा करेंगे करें। अच्छा कोर्ट मुझे सवाल पूछने वाला है। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। व्हाट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इवनिंग, आज की शाम और इस साल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार स्टार स्क्रीन अवार्ड सबसे पहला अवार्ड होता है, पहले तो वो लोग जनवरी में करते थे, आजकल उन्होंने दिसंबर में शुरू किया है, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू बी द फर्स्ट एंड दैट इज द बेस्ट। और आज तो अवार्ड फंक्शन है, बट इट्स मोर ऑफ अ सेलिब्रेशन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज हम पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं, फिल्म रिलीज होते हैं, तो टुनाइट यू सेलिब्रेट इट एंड यू नो एंजॉय द फंक्शन। एज एन एक्टर आप ज्यादा एक्साइटेड है या एज अ फादर, बिकॉज अनन्या विल गेट डेब्यू और इज पति पति वो भी हैज बीन रिलीज विद सच अ ग्रेट रिस्पांस। यस इट्स लाइक बोथ ऑफ अस हैव हैड टू बिग रिलीजेस, साहो हाउसफुल 4 एंड शी इज हैड स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड पति पत्नी और वो जो फ्राइडे को रिलीज हुई है। I'm more excited for her actually, and I hope she wins something tonight. What do you want to say about her performance in Pati Patni? बहुत अच्छा किया, in fact मैं shock हो गया। अच्छा you were shocked? Yeah, I mean from student of the year तो बहुत ही अलग था performance, and I want to ask her उसने acting सीखी कहाँ से? अपनी तरफ से कुछ tips देते हैं आप जब film देखते हैं अनन्या? करते करते। भाई अगर मैं tips दूँगा तो अनन्या confused हो जाएगी। I think वो खुद ही कर लेती है सब कुछ। चंगी सर आपने काफी वोट दिया है इंडस्ट्री में, तो ये बताइए कि जब शूट के दौरान उसके बाद प्रमोशन बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक एक्टर के लिए नींद बहुत कम होती है कहीं ना कहीं लाइफ में। बिल्कुल। तो क्या कहना, क्या उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से आपकी नींद पूरी होती है? बस सोने के लिए बहुत टाइम है। मेरा एक गाना था ना, सो गया ये जहां, तो जब काम मिल रहा है आई थिंक यू शुड एंजॉय इट, कीप वर्किंग। और मुझे लगता है मोस्ट एक्टर्स जब संडे ऑफ लेते हैं, तो स्पेशली मेरी बेटी तो पूरा दिन सोती है फिर, सो शी कवर्स अप हर स्लीप देयर। मैं रातों का राजा हूँ, मुझे वैसे ही नींद नहीं आती है, बट यस स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक ऐसे डे डेडिकेट करना चाहिए जहाँ आप जितना स्लीप कवर कर सकते हो करना चाहिए, आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है मैं जीतने वाला हूँ कि नहीं? अरे जीतोगे सर। नहीं जीतूंगा तो आप लोग हड़ताल पे जाएंगे? अरे पहले नॉमिनेट तो होने दो। चिंटू भैया वो मिली भाग जल्दी है, जल्दी से। अरे एक सेकंड मार्क मार्क कौन पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। Right.
चिंटू जी बहुत खुश है यहाँ पे आके। मैं बहुत खुश हूँ रिस्पॉन्स से। इनफैक्ट मैं ऑडियंस रिएक्शन लेने के लिए कल गेटी पे भी गया था, वहाँ पे सीटियाँ तालियां मार रहे थे सब लोग और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और थिएटर में डांस करने लगा सबके सामने एंड लोगों के साथ डांस किया। सो आई एम रियली रियली हैप्पी विथ जो भी रिस्पॉन्स आया पति पत्नी और वो को, और मैं बहुत ज़्यादा सोच चाहता हूँ कि और ज़्यादा पैसे कमाएं और ज़्यादा लोग देखें फिल्म को। जी जी मैं बहुत हैप्पी स्पेस में हूँ एंड आई एम रियली रियली हैप्पी इन टर्म्स ऑफ कि लुका छुपी इस साल आई मेरी स्टार्टिंग में और ईयर एंड में पति पत्नी और वो हो रही है और वो और भी ज़्यादा ऑडियंस जा रही है थिएटर में और देख रहे हैं एंड उनको बहुत फिल्म पसंद आ रही है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टार स्क्रीन अवार्ड्स जो पहली बार होस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड माई परफॉर्मेंस। सबकी थैंक यू। वही कर जी यहाँ पे भी ये क्या और हो जाए अरुण Yes. Good evening, sir. Good evening. Tell me. So, first of all, what are expectations from the evening? What are my expectations? I think we are nominated with Gully Boy in a lot of categories, and hopefully we'll go back with all those awards. So I've carried a bag also. उसमें डाल के ही लेके जाऊँगा. अगर जीत गए तो. But seriously, as a मतलब Gully Boy तो है ही, but Gully Boy के अलावा there were so many other films. So as a producer, what do you want to say about this year? You know, I think it's always good to be in such august company. I think there are remarkable films which have made mostly these concept women which are smaller and, you know, they've not been the big ticketed or the big event films. But I think that's what cinema is, no? Both coexist. So I think I'm looking forward and I believe we have great host. There's a big evening being planned. So I'm looking forward to it. Film ke alawa, OTT pe bhi Excel has done an excellent job. Ji. Going with the response Inside Edge 2 has got. Ji. What do you want to say about it? People are actually, you know, up social media pe dekhe. So, ji. It's all around. आपने देखी? No, sir. अभी तक? I have yet to watch, but okay. I am looking at the reactions. So I'm pretty. I mean, it's overwhelming. के, you know, एक नया चीज ट्राई किया था. I think it was the first time we did a launch of a show in India, which was an original. And I think जिस तरीके से वो characters थे and people have enjoyed them. एंड एक हंगर था तो आई थिंक ऑन अ सर्टन वे वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई दैट एंड होपफुली जो सब ऑल दोज कैरेक्टर्स वर लेफ्ट आउट एट अ सर्टन प्लेस सो पीपल वॉन्टेड टू सी मोर ऑफ देम एंड होपफुली दे विल बी सेटिस्फाइड। इट्स स्टिल अर्ली डेज, दो दिन है बट लेट्स सी, बट इफ यू आर सीइंग द रिस्पॉन्स इज गुड आई विल टेक योर वर्ड ऑन इट। थैंक यू जी। It has given audiences something to remember always. How does it, like, ye kaise hota hai? Is it something that you plan or is it something that just, you know, turns out? You know, I don't think when we get a script, we look at it, yeah, this will be a cult film or this will be, I think you go with your instinct, you go with your belief and you feel, okay, this is, you want to put your voice behind this. And I think ek tarika, there has to be some kind of an emotional connect, like when you look at, when you read it, you know, and you feel, okay, do I relate to this film, do I relate to this character, am I invested in his journey, you know, do I feel his pain, do I feel his joy. So once you connect and there's some kind of an emotional connect, those are the films you stay true with and I think hopefully they work on that level, you know. So Ritesh sir, yeah. Asking awards hai, but what about the big day, Oscar, matlab finally India can get an Oscar? I hope so yaar, we are trying very hard. We've done, I mean, Zoya to aaj wapas aayi hai subah, I came back 10 days ago and we are trying to bring the film in the forefront. We are doing everything within our power to make sure we leave no stone unturned in bringing it there. We'll know on the 15th, 15 tarikh is the first shortlist and after that we'll be in out of 93 into 10 films. So hopefully we make it to the shortlist, then we'll keep, maybe we will get the award this time, maybe it'll be the first time for India, but fingers crossed. Sure. Thank you so much. Thank you. Thank you.
प्लीज क्लोज द डोर हाँ जी एक मिनट स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट यहाँ पे यहाँ भी और आल्सो चलिए फर्स्ट मार्क ओके इधर इधर फर्स्ट मार्क वन वहाँ पे भी फर्स्ट मार्क थैंक यू बोल दो ना ना सिस्टर थैंक दिस कैमरा या 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 मैम या लेफ्ट में दिस दिस वन यहाँ पे अभी तो मैं आई हूँ फोन भी नहीं है पास पे तो टिकटॉक कैसे बनाए या आप सबके फोन्स बहुत हैं थैंक यू कैमरा जस्ट गोना हैव फन आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट वॉक जब मैं पहले स्क्रीन अवार्ड्स के लिए आई थी तो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन एंड नहीं आई थिंक इट वॉज आई वॉज मोर नर्वस एट दैट टाइम बट आई थिंक नाउ वी यू नो जस्ट गोना हैव सम फन अ ग्रेट इवनिंग एंड टू सेलिब्रेट सम गुड सिनेमा I'm nominated today, so I'm really happy. I'm really, really happy and thankful to our audience for giving me so much love. बहुत अच्छा लगता है जब आपको लोग आपके कैरेक्टर्स आपको बुलाते हैं एंड दे टेल यू दिस इज़ व्हाट वी लव्ड इन द फिल्म दिस इज़ व्हाट यू नो कैन यू डू दिस फॉर अस यस्टरडे आई वाज एट एन इवेंट एंड दे ऑल वांटेड टू मेक सम टिकटॉक वीडियोस सो थैंक यू सो मच फॉर इवन इंक्लूडिंग मीडिया एवरीबॉडी फॉर दिस लव एंड थैंक यू फॉर मेकिंग 2019 सो स्पेशल हाँ हाँ ऑफकोर्स डेफिनेटली हुआ है और आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल इट्स अबाउट एक्चुअली हैविंग अ क्वालिटी स्लीप दैन क्वान्टिटी एंड यू नो द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप सो इट्स यू गेट यूज टू इट नेक्स्ट इज अ फिल्म कॉल्ड गिनी विद सनी एंड विल टॉक मोर अबाउट इट But today is about 2019 and thank you so much. And New Year and Christmas ki kya kuch planning hone wali hai yahan? Kuch planning nahi hai, main shoot karne wali hu. To shoot pe Christmas tree mein decorate kar dunga. Yami one new bike with my name. Yeah. Hi, I'm Yami Gautam and wish you all a very happy New Year. Merry Christmas. Have fun and celebrate love. Thank you. कहीं मत जाना अरे आज तो मर्द को दर्द नहीं होता है भाई नेक्स्ट ईयर यू कांट डू शीट अबाउट शेड अबाउट
चलो फर्स्ट मार्क रेडी फर्स्ट मार्क पास आज थोड़ी रणवीर सिंह की फील आ रही है यहां पे ये कैमरा सेकंड मार्क बहुत अच्छा बहुत अच्छा पूरा ना हो गया कॉपर वाला हेलो चलो गुड इवनिंग हाय गुड इवनिंग ये मैं कर रहा हूँ नहीं नहीं किसी ने बहुत अच्छा सूट मुझे अच्छा लग रहा है बहुत वही मैं कह रहा था ना कि रणवीर सिंह टाइप की फीलिंग आ रही है मेरे अंदर तो एक मतलब रगों में आज रणवीर सिंह का खून दौड़ रहा है तो आई एम वेरी एक्साइटेड और मेरा नॉमिनेशन हुआ है आज हाँ आप कुछ बोल रहे थे क्या बोल रहे नहीं मैं तो आजकल ऐसे ही रहता हूँ मैं घर पे भी आप मिलो कभी घर आओ मैं ऐसे ही रहता हूँ कपड़े नहीं उसके लिए नहीं यहाँ पे तो मर्द को दर्द नहीं होता उसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ तो वो भी अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कमांडो सक्सेसफुल है इतना सारा प्यार दे रहे हैं लोग मुझे आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट क्योंकि मेरे लिए एक नए किस्म की फिल्म थी और मैंने कुछ किया था एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट कि लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में और इतना सारा प्यार इज ओवरवेलमिंग आई एम एंजॉयिंग इट आई एम रियली एंजॉयिंग थैंक यू चेस भूख लगी बिरयानी मंगाओ फिर आराम से हाँ जी हाँ जी एक मिनट एक मिनट ना एक मिनट आप पीछे रहना मोबाइल को आगे लोगों से लेगा अरे आपकी ट्विन का बंद रख इसको कौन आ रहा है नेक्स्ट तो इसको बंद रख बाहर आके बंद कर दे इसको वो एक मिनट रुक जाओ ओके ओके सामने एकदम हमें मजे लिया ना इट्स अ गुड वन राइट
दुर्गावती हेलो गाइस थैंक यू फॉर द हैट ट्रिक थैंक यू माय गॉड या क्या कहना चाहेंगे इस साल के बारे में मतलब टॉकिंग विद पति पत्नी है वो इस तरीके से रिस्पॉन्स आई थिंक फॉर स्टार्टर्स मैं ऑडियंस को बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने पति पत्नी और वो को इतना सारा ये देखो यहाँ से राकेश यादव उनका शुरू हो गया ऑडियंस ने इतना ज़्यादा प्यार दिया पति पत्नी और वो को और आई थिंक हम तीनों के कैरेक्टर्स को इतना प्यार दिया जैसे कि आप सब सुन सकते हैं हमारे किरदारों के नाम से हमें बुलाया जा रहा है एंड इट्स अ वेरी स्पेशल ईयर एंड या द ईयर इज़ अबाउट टू कम टू एन एंड एंड आई थिंक मेरे करियर का सबसे हाई पॉइंट ईयर है ये इट्स लाइक द सीमेंटिंग ईयर ऑफ माय करियर सो या आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सपोर्टिंग माय वर्क सपोर्टिंग माय फिल्म्स एंड आई जस्ट लव यू गाइस आपको तो तीन नॉमिनेशन मिले होंगे ये होगा बेस्ट एक्ट्रेस में खुद से कंपीट कर रही होंगी मैं या बट यू एंड तापसी बोथ आर आई गेस दे आर इन द रेस फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तो क्या देख कैसे देख रहे हैं आप एक दूसरे को भी कैसे या शी इज माय सिस्टर यार आई मीन यू नो आई थिंक द बॉन्ड दैट बोथ ऑफ अस हैव इज अ लॉट लार्जर देन एनी काइंड ऑफ इंटरपर्सनल कंपटीशन इफ शी विंस आई विल बी वेरी हैप्पी इट विल फील लाइक आई हैव वन एंड आई एम श्योर इट विल शी विल फील द सेम अबाउट माय विन सो या फिंगर्स क्रॉस्ड आई होप वी बोथ विन सो व्हाट्स नेक्स्ट आई विल बी शेयर इट सो व्हाट्स नेक्स्ट भूमि नेक्स्ट दुर्गावती तो आप लोग जानते ही हैं बहुत भारी भरकम अनाउंसमेंट हुई थी उसकी एंड तख्त एंड द रेस्ट आई एम नॉट गोइंग टू कंफर्म और डिनाई एक सवाल ये है कि शूट के दौरान कभी कभी ऐसा तो बहुत बार ऐसा होता है कि नींद पूरी नहीं होती है एक एक्टर की तो कभी ऐसी कुछ दिक्कतें पेश आई हैं आपके साथ सर मैं पिछले 18 महीनों से सो ही नहीं हूँ और सिर्फ शूट नहीं मैं शूट कर रही थी तीन रिलीजेस थी ये साल एंड बट आई लव इट काम से बढ़कर कुछ नहीं हैप्पी न्यू ईयर मैं बॉम्बे में हूँ क्योंकि बहुत काम है यस विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू भूमि Hi, this is Bhumi Pednekar and wish all of you a very merry Christmas and a happy new year. Thank you, Bhumi. Thank you, Bhumi. Bye. क्या हाल सबका? All good. मौसम अच्छा है ना आज? इतना बुरा नहीं है. Okay, done. Visuals done. None. We'll do the photo. First mark. Pass. Oh. Center. Yeah, everyone right. Kapti left me. Left me. Kapti ji. Done. Next mark. Ekdam samne. Center look. Kapti center. मनोज की तरफ ओके मैं करके आती हूँ भूमि को जाना है जल्दी तो आई जस्ट डू दैट एंड कम बैक यहीं पे हूँ तू बैठने वाला है
आशिक पीड़ी जाएंगे फर्स्ट मार्क जमीन पे मत अरे बाजी पीछे हां जी एक मिनट चलिए हाँ जी हाँ हाँ मार्क पे मार्क मार्क पास हाँ या इसके कपड़े इस कैमरा राधिका या लेफ्ट यहाँ पे नीचे की तरफ मैम लेफ्ट मैम का फोटो नीचे ये मैम लेफ्ट मैम ये लेफ्ट राधिका भैया हाँ मचाना है ये कैमरा रूम नाम से मचा दूँ अंदर अरुण अरुण नहीं चाहिए अरुण अरुण चाहिए ये तो एकदम सामने राधिका जी सेंटर 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 चल चलो गाइस हेलो हाय 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 सो क्या एक्सपेक्टेशन रखती है आज की शाम से क्या कहना मर्द ओके ओके सो मर्द को दर्द नहीं होता काफ़ी कैटेगरीज में नॉमिनेटेड है सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट एंड स्टार के साथ यू नो बहुत स्पेशल जर्नी रही है बिकॉज मेरा पहला अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड था मेरे लिए जो बेस्ट डेब्यू का मुझे लास्ट ईयर मिला था आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट छूट खत्म हो गई है डब भी खत्म हो गए हैं आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू रिलीज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर सो आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू सी आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम शूटिंग फॉर शिद्दत राइट नाउ सो आई थिंक शिद्दत भी आप लोग जल्दी देखेंगे अंग्रेजी के बाद आई थिंक शिद्दत ही लाइंड अप होगी सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट राधिका एक सवाल ये बनता है कि आपने टीवी में किया है जी 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 तो कहीं ना कहीं नींद पूरी नहीं होती है मतलब यू नो तो किस तरह से आप मैनेज करती हैं नींद नहीं पूरी होती है शूट के दौरान जी मुझे लगता है मैंने टीवी के अंदर क्योंकि 56 आवर्स नॉनस्टॉप 24 आवर्स नॉनस्टॉप इतना कर लिया है मुझे लगता है मेरी इतनी रगड़ाई हो चुकी है कि मूवीज मुझे लगता है कि अरे क्या हो गया यार अगर तुमने 12-14 घंटे प्रमोट कर दिया तो सो आई थिंक टीवी ने मुझे काफ़ी रगड़ के मांझ दिया है तो मुझे फिल्म्स ऐसी लगती है कि जन्नत में आ गई हूँ मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट हाँ सेकंड मार्क
Left and right. Look here. Left to right. No. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Anna, please come for the bike. Madam, we have to pass. Sir. Sir. Yes. I'm very excited for this Star Screen Awards, and yeah, it feels great to be here. I'm a workaholic, so I love working completely. Yes, of course. Yeah. It's tiring, but it's a lot of fun, especially when you love doing what you're doing. So, yeah. Thank you. It's the first time I'm playing something so different, and it feels great. It's a challenge for any actor to do the role. She's loving it. Thank you. कैसे आप लोग? गुड इवनिंग. सो भाजी, व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इवनिंग? मतलब देखा जाए तो बेस्ट एक्टर आपका ही है. यार पता नहीं किसका है बेस्ट एक्टर, पर हाँ नॉमिनेशंस में हूँ, और आर्टिकल 15 10 नॉमिनेशन है, बाकियों को पता नहीं कितने नॉमिनेशन है. मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं. 3 फिल्में की है इस साल, आर्टिकल 15, बाला और ड्रीम गर्ल. कुछ ना कुछ तो शायद मिलना चाहिए. लेट्स सी. So what do you want to say about the year? What do you want to say about the year? You've got a different film se hai, lekin har film mein itna pasand kiya gaya. So what do you want to say about it? Beat Article 15. This was, I think this is the best year till now. 2019 was phenomenal because I did 3 films of different spectrums. Article 15 us taraf thi, Dream Girl us taraf thi, Bala kahin beech mein thi. So it was beautiful. Bahut bahut acha laga film mein karke. Aise kirdaron ke naam se sunna kitna pasand karte hain Aayushman ji? अच्छा लगता है, बाला बाला सब बोलते हैं. उससे पहले पूजा पूजा बोल रहे थे. इट फील्स गुड. ऐसे पता चलता है कि लोगों को कितनी पसंद आई है फिल्में, या फिर मेरे कैरेक्टर्स पसंद आए हैं. सो इट्स रियली ओवरवेलमिंग. आयुष्मान, शूट के दौरान शूट्स होते हैं, बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल होता है, उसके बाद लाइक प्रमोशंस होते हैं, तो उस वक्त आपकी नींद पूरी होती है? नींद उस टाइम पे नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती. इनफैक्ट आज मेरी नाइट शिफ्ट है, पहली नाइट शिफ्ट है, तो अभी रात को शूट है पूरी रात हमारी, अभी शुभमंगल दास सावधान की, यहाँ से सीधा वहीं पे जाऊँगा. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट ऑफ कोर्स. बट ऐसे होता है कि मतलब नींद पूरी नहीं होती और सुबह सेट पे जाना हो, हाँ, तो ऐसा हैंगओवर, मतलब इस तरह से ऐसा कुछ होता है? नहीं, हैंगओवर तो मुझे नहीं होता, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन हाँ होता है, ऑफ कोर्स होता है. व्हेन यू आर वर्किंग 24/7, बैक टू बैक शूट चल रही होती है, दैट रियली हैपेंस. या बट आई वांट टू यू नो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ईयर, शुभमंगल ज्यादा सावधान, इट्स अनदर फिल्म जो मतलब पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, एंड इट हैज अ मैसेज एज वेल एज विद द कॉमिक एलिमेंट. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द फिल्म? आपका एक अभी एक शेड्यूल भी कंप्लीट हुआ? ऑफ कोर्स, अभी लास्ट केड रह गया है 7 दिन का बॉम्बे में, और फरवरी में रिलीज है, उसके बाद गुलाब उस्तापुर रिलीज है. सो आई एम रियली एक्साइटेड वॉच मंगल जहाँ साहब गुलाब उस्तापुर. हाँ, यार न्यू ईयर मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ, कुछ डिसाइड नहीं किया अभी, लेकिन हाँ फैमिली के साथ ही होऊंगा मैं. थैंक यू. सामने, डाउन कैमरा,
एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इवनिंग आर आई परफॉर्म वेल. मैं गिर ना जाऊँ, मेरी हील्स बहुत लंबी है, बस यही एक्सपेक्टेशन है. एंड ऑफकोर्स टू सी यू नो दीज अमेजिंग स्टार्स ऑन स्टार स्क्रीन. मेरी परफॉर्मेंस का खुद को एक तो बहुत नर्वसनेस होती है, इंतज़ार तो बहुत होता है बट नर्वस में ज़्यादा होती हूँ. बट इतनी बड़ी रात है तो ऐसा मुझे लगता है अच्छा ही परफॉर्म करूँगी. कोका, वास्ते और दिलबर. सॉरी, नेवर. आई मीन बट आई थिंक अगर यू नो मन से कोई भी चीज़ अगर लोग करते हैं तो सक्सेसफुल होती है, इज़ वॉट आई बिलीव इन. एंड कुछ चीज़ें डेस्टिनी भी, डेस्टिनी पे भी छोड़ देनी चाहिए. तो आई जस्ट डिड दैट एट दैट मोमेंट और यू नो इट वर्कड इन माई फेवर और इतना बड़ा हिट हो गया है. हमारे सबके लिए पूरा टीम ने बहुत इस पर यू नो मेहनत मुशक्कत की थी एंड आई जस्ट पेड ऑफ. आई एम रियली हैप्पी अबाउट द टर्न आउट. नेक्स्ट इज इन जनवरी. वॉट आई कांट से इट्स अ सिंगल. I should tell you what's the point. It is single. The single. I always do singles. ये साल 2019 कैसे देखती हैं धोनी जी, क्योंकि जितने भी आपने गाने गाए हैं वो सभी हिट रहे हैं. कैसे देखते हैं आप 2019? I hope मेरी हैट्रिक हो जाए. Thank you. और बस successful year होना चाहिए, happiness होनी चाहिए और बस काम रहे. Exactly, काम रहे, खुशी रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे. आपका फेवरेट क्या है? ओके, आई गॉट माय आंसर. ओके, वास्ते जा भी दूं, मैं गवाए मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ, तुमसे ज़्यादा मैं ना जानूँ, तुमसे खुद को मैं पहचानूँ, तुमको बस मैं अपना मानूँ, माहिया वास्ते जा भी दूँ, मैं गवाए माँ भी दूँ, किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ. Thank you. Thank you. New Year and Christmas. Okay. Ready? Yeah. Hi guys, this is Vani Bhanushali and I wish you a very happy New Year and a Merry Christmas. Thank you. Thank you.
प्लीज क्लोज द डोर. यो 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 हाय. थोड़ा पोस्चर सीधा कर लो, आदत नहीं ऐसे कपड़े पहनने की. थैंक यू अच्छे सवाल नहीं मेरे लिए. अरे सर आओ तो पहले. यहाँ पे पहले आंसर दो. आई डोंट चेंज. अच्छी बात है. चलो किसी ने बोला आप बदले नहीं. हेलो कैसे हो आप? मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, तो शाम से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है. बट ये मानता हूँ कि एक अच्छे एल्बम का हिस्सा हूँ. बहुत अच्छे कंपोजर्स थे साथ में, मिथुन सर, साचेत परंपरा, विशाल मिश्रा, अखिल सचदेवा. और बहुत आज के टाइम में मुश्किल है कि यू नो इतने रीमिक्सेज है और एक ओरिजिनल एल्बम में अपनी जगह बनाई विदाउट यू नो डिपेंडिंग ऑन अ रीमिक्स. तो खुश हूँ कि एक मेल डोमिनेटेड फिल्म में एक ऐसा गाना किया जो फीमेल पर्सपेक्टिव रखता है. तो वो मेरे लिए चैलेंज था और मैं खुश था कि संदीप वनरा रेड्डी थॉट कि यू नो अमल अच्छा काम करेगा इस पर. थैंक यू. Is this the mark? I've never stood in a corner here at the red carpet. What is this? अलग अलग जगह पे. चंगा है. Done? हाँ जी. नहीं नहीं नहीं. अरे वो second mark. First mark. First है ये? Sorry यार. I told you. मैम यार. This camera. Yeah. Second. Second. Yeah left. Tell me, good evening. Hello. So, what are expectations from the evening? A fabulous star-studded night. And talking about yourself, मतलब जिस तरीके से हमने आपका एक ग्रुप देखा सेक्रेटरी टू से भी, I haven't seen that. मतलब what you saw in the season was shocking. Yeah, so what do you want to say about it? Well, I think it's always fun and great to do work that's exciting and surprising for your audiences and viewers, and that's the reason you're here. That's the reason you do what you do. And unless there's that kind of an element of surprise in the parts that you play, I don't think it's fun. Yeah, and yeah, look forward to doing more of that kind of stuff. What's next? There's something that I'm doing, of course, season, I can't actually speak about it, but in the first quarter of the coming year, I'm starting to shoot now. I'm getting back to work after having my baby, and yeah, so I'm getting back to work. 2020 is going to be a fantastic year. All the best. Thank you. Thank you. Thanks. Yes. Yeah.
पहले कर लें तो यार ड्रेस का। हाय हाय हाउ आर यू। वो जल्दी यहां पे बिल्कुल सामने आ गए। दीदी ने देखा पिक्चर है। हीट हो गया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सबने देखा? नहीं क्यों? देखनी है कल फैमिली के साथ जा रहे हैं। ये कॉल रखवा दो शो। अरे फैमिली के साथ जा रहे हैं। हाउसफुल चल रहा है। चलो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट पे आ गए। थैंक यू। पेमेंट नहीं आया इसके लिए नहीं। ओइशी ओइशी ये क्या हो रहा है यार? यहां पे सामने नन्हे सेंटर नन्हे 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 या नन्हे नन्हे किधर अबे यार लंच यहाँ भी चाहिए। Yes. Hello, thank you so much. Thank you. Thank you. ये आपके सबसे बढ़िया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे मेरे डैड ने दो बार देखी थी क्योंकि आई थिंक पहली बार वो बहुत कम हंसे थे और दूसरी बार उन्हें और हंसना था क्योंकि पहली बार आई थिंक जब वो पहली बार मुझे स्क्रीन पे देख रहे थे वो बहुत नर्वस थे तो आई थिंक सेकंड टाइम वो लाइक ज़्यादा खुल के हंस पाए तो आई थिंक मेरे डैड को बहुत अच्छी लगी फिल्म और तीसरी बार भी देखने वाले हैं। So how do you look at this year? मतलब with Student Deo and now Pati Patni Abu, दो फिल्में, that's such a contrast. Yeah, yeah. No, I mean this year, I couldn't have asked for a better year and it's just been the biggest deal for me to even be a part of an award function as an actor for the first time. I'm nominated. That's such a big deal for me. So I'm very blessed and I hope 2020 is bigger and better. Yes. Thank you. Thank you. Upcoming. जो प्रोजेक्ट आप आने वाले हैं सो कितने आप कितना प्रेशर होगा अरण्या जी के ऊपर या डर लगता है नहीं हिट देनी है? नहीं आई थिंक अगर वो प्रेशर लाइक मैं रखूंगी हर फिल्म के लिए तो मैं दब जाऊंगी ऐसे तो मुझे प्रेशर नहीं रखना है। मुझे सिर्फ मजा करना है, मुझे इंजॉय करना है, मुझे बहुत 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 काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डैडी से कुछ टिप्स लेती है अरण्या जी? काम रहने का, हंसने का, योर फुल लाइफ जस्ट लाफ, जस्ट बी चिल्ड आउट एंड कीप जोकिंग। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, सुहाना और शनाया के साथ। हमारा एक रिचुअल है कि हम हर न्यू ईयर साथ में बिताते हैं तो मैं उनके साथ रहूँगी। थैंक यू। ओ मैं आई फील लाइक अ स्टार बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टार स्क्रीन अवार्ड्स तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ग्लैमरस बनने में। हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। आई एम अनन्या पांडे। थैंक यू सो मच। प्लीज पति पत्नी और वो देखो अगर नहीं जी हाँ जी हाँ जी।
बिल्कुल बढ़िया तो यहाँ पे गुड इवनिंग हेलो entertainment just looking for having a great evening celebrating art and I think humne bahut acha kaam kiya hai pure saal and last year bhi so I'm just looking forward to seeing who is getting you know awarded for it It's been a great year and I think I'm very blessed ki mujhe Vairav ne fir se ek chance diya and even that movie has done so well I had a great time working with Hrithik and Tiger and we were all expecting the success but the kind of response that the audience has given us is just very beautiful and feeling very blissful so thank you to all the audience and to everyone out there who loved the movie and appreciated my work saal 2019 mein dekhe to aapki humne kuch ek series dekhi film dekhi काफ़ी इवेंटफुल ईयर रहा है देखा जाए तो काफ़ी कुछ काम जो 2019 में आया था उसकी शुरुआत 2018 से हुई थी तो वो मेरे लिए बहुत ही इवेंटफुल ईयर भी रहा है एंड आई हैव लर्नड अ लॉट आई हैव ग्रोन अ लॉट एज अ पर्सन ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल एंड आई जस्ट होप आई कंटिन्यू इन ग्रोइंग एट बोथ अ प्रोफेशनल एंड अ पर्सनल लेवल थैंक यू आपके लेफ्ट में तो सेंटर में इधर आपके राइट में सामने तो यहाँ पे होटल लेफ्ट ये मत करना सर सामने चलो रेड कार्पेट होस्ट किया है आई थिंक पहली बार स्टार स्क्रीन अवार्ड्स का एंड इट्स ऑलवेज गुड टू मीट जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो फिल्म स्टार्स हैं जो इतनी मेहनत करते हैं एंटरटेन करते हैं हमें एंड उनके साथ हंसी मजाक गेम्स खेलना अपना ही मजा है उसका आई विश शाह सर वॉज हेयर पर आई थिंक वो कंट्री में नहीं है इज नॉट हेयर एंड आजकल थैंक्स टू इंस्टाग्राम हमें पता चल जाता है वो कहाँ हैं तो हाँ करण भाई एक सवाल ये भी बनता है कि मतलब एक एक्टर जो आप टीवी जैसे करते हैं 12-13 घंटे काफ़ी लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है किस तरह से अपनी नींद को मैनेज करते हैं यार आई थिंक थोड़े टाइम बाद ना बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट आई थिंक आपके बॉडी क्लॉक ही ऐसे हो जाते हैं अब तो शायद अगर 4 घंटे से ज़्यादा नींद मिल जाए तो बॉडी रिजेक्ट कर देती है अपने आप उठ जाती है मतलब क्या भाई उठ चल काम पर चल बट नॉनदलेस काम है मजा आता है तभी तो आई थिंक व्हेन योर वर्क इज फन तब नींद की इतनी अहमियत नहीं रहती है नहीं मुझे तो नहीं हुआ प्रोडक्शन को बहुत हुआ है बट यार ना इट मैनेज हो जाता है मैनेज थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू भाई थैंक यू गुड नाइट सी गाइस गुड नाइट डॉक्टर फूड
First mark. Yeah. First mark. Yeah. Please close the door. Navina, come. Close the door. Close the door. Darwaza bang karo. Aaj peeche ho jao. Close. Ek second. Hey, Kishan. चलिए सेकंड मार्क सेकंड मार्क ओ नो 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 ठीक है यहां पे ओके 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 थैंक यू सेकंड मार्क मेरे पति आके गए नहीं नहीं बोल के निकले थे यहां पे इसके माहौल ठंडा है गाइस जाइए बोलें बचाएंगे हम सेंटर ओके मेरा डाल दिया मैम ले लिया पता नहीं साहब ऊपर प्लेट मैम दीपिका मैम चेक करो मैम प्लेट अरे मैडम जी लेफ्ट कॉर्नर में मैडम जी दीपिका जी कॉर्नर इस कैमरा मैम लेफ्ट में भी कैमरा है मैम सेंटर सेंटर दीपिका मैम बोलो बोलो सोलो सोलो मैम सोलो नेक्स्ट मार्क पहले साथ में ठीक है साथ में या बा दीपिका जी राइट राइट कहने राइट 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 यहाँ पे भी अरे कोई नहीं आता बोल रही है सुनाई नहीं दे रहा पाई वाले बाईस सेकंड मार्क हेलो हेलो थैंक यू सो मच पूरी एल्बम को मिला है सो नथिंग बेटर देन दैट ओरिजिनल म्यूजिक और मेरा सेकंड गाना सेकंड अवार्ड है तो नथिंग आई कांट आस्क फॉर मोर आई एम हैप्पी कैसे देखते हैं आप जब भी कोई म्यूजिक लाइक हिट होते हैं किनको आई थिंक अवार्ड से पहले ही लोगों का प्यार मिलता है और वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए और अवार्ड उसके बाद उस पर एक ठप्पा लगा देता है तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट बट पूरी एल्बम ने लोगों का इतना प्यार जीता इतना दिल जीता आई थिंक ट्रेंड सेटर एल्बम तो आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट आने वाला शुरुआत में जनवरी दे रहा हूँ यस एब्सोल्युटली थैंक यू एक तो आता लास्ट में सेंटर मैम लेफ्ट में मैम लेफ्ट मैम सेंटर मैम
हेलो हाय गुड इवनिंग सो आज की शाम से क्या उम्मीद रखते हैं कुछ जी वेल बहुत सारी परफॉर्मेंसेस और खूब सारे अवार्ड्स आई थिंक स्टार स्क्रीन अवार्ड्स आर नोन फॉर यू नो द क्रिटिक्स एंड द ज्यूरी अवार्ड्स सो टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू नाइट और मेरा भी नॉमिनेशन है बेस्ट सिंगर कैटेगरी में सो फिंगर्स क्रॉस्ड पॉजिटिव हूँ लेट्स सी वेल एक सेकेंड I forgot the name of the Russian designer, Grash Couture. Sorry. So I'm wearing a Russian designer and it's called Grash Couture. Now see you. 2019 में हमने आपके बहुत सारे सिंगल एंड एल्बम देखे गाने देखे जी 2020 में क्या प्रोजेक्ट होते हैं Well, a lot of film songs के साथ साथ singles पे independent music पे बहुत ध्यान दूंगी and you will सिर्फ मुझे सुनेंगे नहीं बट मुझे फीचर करते भी देखेंगे मेरे वीडियोस में वेल आई थिंक कबीर सिंह इज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर द एल्बम ऑफ द ईयर एंड आई'd लाइक टू हम अ फ्यू लाइंस मेरी राहें तेरे तक है तुझ पे ही तो मेरा हक है इश्क मेरा तू बेशक है तुझ पे ही तो मेरा हक है थैंक यू सो मच थैंक यू दिस इज द मार्क गुड इवनिंग क्या कहना चाहेंगे आज बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तो आप रही है न्यू कमर है यार नहीं यार सपोर्टिंग पता नहीं बट बेस्ट न्यू कमर में नॉमिनेट हुआ हूँ और पहला नॉमिनेशन है पहला स्टार स्क्रीन अवार्ड बहुत खुशी हो रही है हमेशा देखता था टीवी पे मम्मी पापा के साथ और आज यहीं पे हूँ उन सब के साथ जिनको पहले टीवी पे देखा करता था और वैसा ही है जैसा लगता है टीवी पे शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा है और जो परफॉर्मेंसेज हैं बहुत कमाल के हैं अभी कियारा का परफॉर्मेंस देखा बहुत मज़ा आया और देखते हैं क्या होता है आगे क्या लिखा है यार तो अगर आप है आ रही हैं खबरें जो भी खबरें आ रही हैं उनको आप सही या झूठ समझ सकते हैं बट अभी मैं फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट प्रोड्यूसर से आएगी बट है बहुत कुछ हार्ड लाइनअप है हमारा यस यस बिल्कुल 2020 बहुत मज़ेदार होने वाला है बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स होंगे वो शायद एक फिल्म में होंगे या कई फिल्मों में होंगे लेकिन मज़ा आने वाला है एक्शन है कॉमेडी है ड्रामा है सारी चीज़ें हैं तो काफ़ी टाइम लिया मैंने लेकिन फाइनली अब सब चीज़ें जी 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 मेरे लिए बहुत स्पेशल है इनसाइड एज से शुरुआत हुई थी और इनसाइड एज पार्ट टू आ गया है वही कैरेक्टर वही प्रशांत फिर से अब लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि एमसी शेर से प्रशांत फिर कैसे लेकिन वही काम है हमारा कई लोग कह रहे हैं कि यार तुमने दाढ़ी क्यों हटा दी तुमने ट्रिम कर दिया तुम क्लीन शेविंग ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हो लेकिन जो है वो जो किरदार है वो रहेगा और अच्छा लग रहा है लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो नहीं नहीं जी यहाँ पर हम सभी को आपके एक रैप का इंतजार है अरे यार आपकी फेवरेट हो
मतलब रैप करा करा के, मैं रैपर हूँ नहीं पता है ना सबको, बन गया हूँ आप ही लोगों की वजह से यहाँ रैप करते करते। चलिए अपना टाइप वही वाला इंट्रोडक्शन सॉन्ग, शेर की जुबानी सुनिए, शहर की कहानी है, रैप नहीं होता तेरे वहम को भगा दे, लड़कियां ना गाड़ी अपनी अलग ही आबादी, असल रैप का ये ज्वाला तेरे आत्मा में जगा दे, क्योंकि फ़र्क है तुझे छेड़ने की तलब है, तू नकली वाला मर्द, मर्दानगी पे कलंक, हैवानियत की शक्ल, जितनी तुझमें गर्मी उससे ज़्यादा गर्म, मेरा कलम क्यों इतना बेशरम, का काम का वो काम जिसमें तेरा कल नहीं, का काम का वो आज जिसमें तू सफल नहीं, बल नहीं दिमाग की ज़रूरत, तेरे भाई की हुकूमत सच्चाई की ये सूरत, भाग 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 आया शेर, आया शेर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू भाई। अरे हाँ वो पहले वाला है ये। अरे यार अब मेरा डायरेक्टर मुझे एम्बैरेस करने में तुला गुड बेटर है यार, ऐसी बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, गुड इवनिंग। हाँ कांग्रेचुलेशंस फॉर द विन एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द, मतलब जिस तरीके से साल रहा है। हाँ जी, बदला एंड स्टार्ट किया। हाँ जी, लुक एट इट, अच्छा स्टार्ट हुआ था, अच्छा खत्म हुआ तो अच्छा ही था। पीछे मिशन मंगल भी आई थी तो आई थिंक इट वाज वेरी गुड। मैं आई होप 2020 के लिए प्रेशर अब ज़्यादा है मेरे पे कि वो अब इससे बेटर करके दिखाने का जो प्रेशर है, देखते हैं कैसे निकलता है अब। इसका मुझे बहुत ही अजीब आंसर आ रहा है बट मैं बोलूँगी नहीं, मैं तो वैसे कुछ भी बोल सकती हूँ बट नहीं अभी बोलूँगी नहीं, ऐसे मत करो यार, ऐसे वाले आंसर्स मत बुलवाओ मुझसे। नहीं बट प्रेशर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि तब लगता है कि तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन है लोगों की, नहीं तो एक्सपेक्टेशन नहीं है तो फिर मज़ा क्या है काम करने का, तो दैट्स व्हाई इट्स गुड टू हैव दैट प्रेशर। तापसी आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यू नो जब बदला आई थी इट वाज लाइक अ अमिताभ बच्चन फिल्म, इवन दो मेरा स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा था, नाउ विद सांडकिया एंड यू सेड दैट कि आफ्टर सांडकिया जब भी कोई फिल्म आती है जिसमें चाहे मेल और फीमेल कैरेक्टर्स का इक्वल स्क्रीन स्पेस हो, हमेशा एड्रेस किया जाता है उस फिल्म को मेल एक्टर के नाम से, वो चाहे उनका स्क्रीन स्पेस सेम हो, ज़्यादा हो, कम हो, रिगार्डलेस मेल एक्टर के नाम से उस फिल्म को रेफर किया जाता है, जो कि वो बच्चन सर हो चाहे जो भी हो, वो उनसे कंपेरिजन नहीं है, हम कॉम्पिटिशन में नहीं खड़े हैं, हम लाइन के एक ही साइड पर हैं। तो आई जस्ट फील के एक लड़की को भी इक्वल इम्पोर्टेंस, जिसने मेहनत उतनी करी है शायद, तो उसको भी मिलनी चाहिए एक फिल्म के अंदर, इसलिए मैंने ये कंसर्न रेज किया। यू सेड दिस आल्सो कि पे पैरिटी भी जो है वो कहीं ना कहीं शायद मैं देख सकता हूं सांडकिया के बाद शायद चेंज हो, तो आई हैव सीन एनी चेंजेस, या या टू अर्ली बट स्टिल नो नो इट इज विद एवरी सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू पे मोर विद एवरी सक्सेसफुल फिल्म। हाँ जी, हाँ जी, एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि फिल्म शूट के दौरान काफी बार ऐसा होता है कि एक्टर्स काफी लॉन्ग आवर्स काफी शूट करते हैं, हाँ जी, नींद नहीं पूरी हो पाती है, तो नहीं मैं अपनी नींद तो पूरी करती हूँ भाई, वो मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, 8 घंटे की नींद के बिना तो मेरे से काम होगा ही नहीं, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तैयार होना वगैरह भी मिला लो तो 13-14 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो बाकी उसमें 8 घंटे होते हैं सोने का, आपके ऊपर आप कुछ और करना चाहते हो उस टाइम में तो फिर आप टाइम अपना खो रहे हो सोने का, मैं 8 घंटे की नींद पूरी करके आती हूँ। हाँ कभी वो कभी कुछ मौके ऐसे हो जाते हैं बट देन वो एक दो बारी के लिए सही, एक्सेप्शनल टाइम के लिए, ऐसे नहीं है कि मतलब नॉन स्टॉप तुम बिना नींद के काम कर रहे हो, ऐसा बॉडी अलाउ नहीं करती। यार पहले मैं साइन कर लूँ उसके बाद बात करती हूँ उस बारे में, फिलहाल मेरे को डर लगता नहीं तो कुछ भी बोलते हुए, जब साइन करूँगी तो बात करूँगी। छुट्टी ले लेती हूँ मैं, एक काम करती हूँ वो वेस्ट तरीका है सेलिब्रेट करने का, तो छुट्टी लेके जाऊंगी मैं और मेरी बहन जाएंगे हॉलिडे मनाने, अब ये भी बताऊँ कहाँ जाना है, कितने लोग हैं, कहाँ ठहरी हूँ, एड्रेस भेजूँ, पिन एंड ऑल सब कुछ, नहीं इसको भी साथ लेके जाओ। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इज व्हाट आई नो, मैं सिर्फ क्रिकेट देखती हूँ, कभी खेला नहीं है, देखती बहुत हूँ, तो वो खेलना अभी बहुत चैलेंज हो रहा है। मिताली ने पहले ही बोल दिया कि मैं देखूंगी कि कैसे कवर ड्राइव करेगी, वो कवर ड्राइव का मुझे सपने आ रहे हैं अब मुझे तो हाँ वो बहुत, वो मेरे अगले साल का बहुत चैलेंजिंग रोल होने वाला है। नो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग बिकॉज मिड ऑफ द ईयर से रफली शुरू होने वाली है पिक्चर, सो आई विल स्टार्ट विद द न्यू ईयर।
Hi, this is Tapsee Pannu and I wish everyone a very very happy new year. Resolution वगैरह मत बनाना, वो टूटते ही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसलिए जब भी अच्छे से खुश रहना, रोज के रोज अच्छा खाना और मतलब स्टे हेल्दी. दैट्स इट, जस्ट एंजॉय द न्यू ईयर. अगले साल फिर आएगा. ओके बाय 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 बाय. Baba, please,